सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको व्लॉग्स और प्रोडक्ट रिव्यू, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस तो मिलेंगी ही, साथ ही आई एम अ फूड लवर, तो कुछ ऐसे प्लेसेस को मैं विज़िट करती हूँ जहाँ पे यम्मी डिलीशियस फूड्स मिलते हैं, स्पेशली इनसाइड द जमशेदपुर। तो आज मैं आई हूँ सांची के बेकिंग बॉन्ड में, और ये बिल्कुल सेंटर में ही ऑलमोस्ट पड़ता है। जो अग्रवाल बुक स्टोर है, आप उसे सीधे जाओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और ज़्यादातर लोग जो सांची शॉपिंग करने आते हैं और मेरी तरह जिन्हें शॉपिंग करने के बाद बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो वो यहाँ अक्सर लोगों को जो है विज़िट होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ की जो फूड्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको प्राइस भी सही ये लोग लगाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमें यहाँ की टेस्ट सही लगती है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, लेकिन जो स्नैक्स आइटम और चाइनीज़ और इटालियन फूड और इंडियन जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह की जो भी है ना वैरायटी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं अभी मेन्यू दिखा रही हूँ, आप स्टॉप करके इसे देख सकते हो। बेवरेजेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इनके, साथ ही आइसक्रीम वगैरह, कॉफ़ी, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो आप अगर सांची मार्केट आ रहे हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप मैं अपने पैसे पे यहाँ पे आकर के खा रही हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगा है। अगर आप फूड लवर है तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, और आपको भी आई एम श्योर ये पसंद आएगा। तो बेकरी आइटम जो है इनके ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी रहती है, और मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ और बैठ करके हम लोग यहाँ पे खाएंगे। यहाँ से व्यूज़ आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आती है। दिस इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द टॉप शॉप, और ये देखें इनकी जो है ना, मतलब इंटीरियर बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो है पानी पीना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे है वॉश बेसिन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका ये प्यारा सा थीम जो है, एकदम नेचुरल सा लगेगा कि प्लांट्स लगा हुआ है। और ये इनका सेल्फ़ी मिरर, अक्सर लोग यहाँ पे आके सेल्फ़ी लेना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं भी कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और अब यहाँ पे हमारा जो है फूड आ गया है। सबसे पहले हमने ऑर्डर दिया था पाव भाजी, और आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना डिलीशियस है, और प्लेटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, गार्निशिंग भी इनकी मुझे अच्छी लगती है। और टेस्ट करते हैं, तो गाइस पाव भाजी में इन्होंने जो है भाजी बहुत टेस्टी बनाया था, साथ ही पाव को बहुत अच्छे से इन्होंने जो है फ्राई किया था, और उसके बाद जो है हम लोग प्लेन डोसा मंगाए थे। और ये देख सकते हो आप कि कितना डिलीशियस देखने से ही लग रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने जो है इसकी गार्निशिंग की है। सांभर बहुत टेस्टी था, अच्छा सा, मतलब स्पाइसी भी था, खट्टापन भी था, और चटनी भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद हमने मंगाया था मिक्स पेनी पास्ता, और वाइट सॉस पास्ता भी इनका अच्छा रहता है। और ये जो है ना, ये स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टा मीठा सा रहता है, तो ये पास्ता बहुत डिलीशियस रहता है। इनफैक्ट पास्ता जो है मैं मंगवा तो ली थी, बट मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने इसे पार्सल करवा लिया था, ये लोग पार्सल भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट दिखा रही थी, ये गर्मा गर्म बहुत डिलीशियस लग रही थी। तो गाइस खाने के बाद हमने बेवरेज में हॉट कॉफ़ी मंगाया था, और इनकी जो प्लेटिंग होती है ना, गार्निशिंग और प्लेटिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको फूड को देख करके ही बहुत अच्छा सा फील होता है। साथ ही हमने लाइम सोडा मंगाया था और एक ब्लू स्काई मंगाया था, और ये इतना अच्छा सा लग रहा था देखने में कि देख करके ही जी खुश हो जा रहा था। और हमारा जो खाना है यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा प्राइसी तो नहीं लगता है मुझे, आप ट्राई कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ गिफ्ट आइटम्स है जो आप अपने लव्ड वन को दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।